हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे ग्रैड सिस्टम के बारे में, जो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने पिछले साल लॉन्च किया है और अभी तक बहुत हज़ारों लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। ये पहले डायलिसिस पेशेंट्स के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसमें सभी डिजीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ क्यों ना हो, चाहे वो लिवर की डिजीज़ हो, किडनी, या सिर से लेकर पैर तक कहीं भी आपको पेन हो रहा हो, या कैंसर, किसी भी स्टेज के कैंसर पेशेंट्स में इसे बहुत फ़र्क मिलता है, बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ग्रैड सिस्टम क्या है। देखिए, ग्रैड सिस्टम है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी, जिसमें पेशेंट को एक बाथटब में बिठाया जाता है जिसमें नेक तक गर्म पानी होता है और 40 डिग्री सेल्सियस पे उसमें 2 घंटे बैठना होता है। दूसरा एक इसमें थेरेपी है हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। इसमें पेशेंट को कुछ इस प्रकार से लेटाया जाता है जहाँ पर 10 डिग्री का एंगल होता है। एक तरफ से अपने बेड को आप अगर थोड़ा इंक्लाइन कर देंगे और ऐसे अगर लेट जाएंगे 2 घंटे और साथ में ये हॉट वाटर इमर्शन करेंगे तो आपको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आपका जो डायलिसिस है वो बंद हो जाएगा, आपकी दवाइयाँ छूटने लगेंगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू होगा और आपका जो शुगर लेवल है वो भी नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। साथ ही इसमें आप DIP डाइट, इसका जो थर्ड कंपोनेंट है जो आप सभी जानते ही हैं और इसके जितने भी फायदे हैं वो आप देख ही चुके हैं पहले से, ये एक बहुत ही मिराकुलस डाइट है। तो इसमें आपको क्या करना है, सुबह फल खाने हैं और खाना खाने से पहले लंच और डिनर में आपको रॉ सैलड लेना है। तो इसके लिए एक रिसर्च भी हो चुकी है इसको प्रूव करने के लिए कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलान राजस्थान और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि एक सबसे पुराना कॉलेज है इंडिया का, इन्होंने मिलकर एक फर्स्ट एवर स्टडी की है, प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस ग्रैड सिस्टम का, कि CKD पेशेंट्स, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं जिनका ऑनगोइंग डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनका हो रहा है डायलिसिस हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 1 बार, तो उन पर ये स्टडी की गई है। 100 पेशेंट्स को यहाँ पर लिया गया था और जिन पेशेंट्स ने इसको बिल्कुल फुल्ली इसको अडॉप्ट किया ग्रैड सिस्टम को, डाइट भी, थेरेपीज़ भी, उसमें से 75% पेशेंट्स को डायलिसिस उनका बंद हो गया, 89% पेशेंट्स का सारी दवाइयाँ बंद हो गई और डायलिसिस की भी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत ही कम हो गई। जिनका हफ्ते में 2 बार या 3 बार हो रहा था अब उनका 15 दिन में 1 बार ऐसे हो रहा है। और यहाँ पर उनकी जो है रिपोर्ट्स भी दी गई हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पैरामीटर्स हैं वो भी उनके पेशेंट्स के कम हो चुके। ये सारी जो स्टडीज़ हैं ये इसमें प्रूफ आ चुका है। अगर इस स्टडी को आप देखना चाहते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूँगा, आप इससे डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि जब हॉट वाटर इमर्शन में हम बैठते हैं तो पानी के बाहर का जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और पानी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर हो जाता है। उससे हमारा 20% कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, मतलब जितना आप 1 घंटा जिम करेंगे उतना जब आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और जितना आपको तब पसीना आएगा उतना आपको इसमें बैठने से आ जाता है। तो ये बिल्कुल जिम की तरह ही होता है और आपको बिल्कुल फील भी वैसा ही होता है जैसे आप जिम करके आए हों। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 20% से और जो ब्लड होता है हमारी जो लेग्स में ब्लड है वो सारा इन वाइटल ऑर्गन्स में आ जाता है। तो अगर आप ये ग्रैड डायलिसिस टब को बाय करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं और अगर अमेज़ॉन से बाय करना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन पर भी अब अवेलेबल है, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो डायलिसिस टब है इसमें आपको एक स्टेनलेस स्टील का फ्रेम दिया जाता है, ये फोल्डेबल रहता है, ये आप कहीं भी यूज़ करके बाद में फोल्ड करके रख सकते हैं। इसमें एक आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल मिलता है जो आपका टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके रखता है और अगर कहीं पे करंट आ जाता है तो ये शॉक प्रूफ भी कर देता है, मतलब एकदम से आपका कट ऑफ हो जाता है सारे सिस्टम। ये स्टेनलेस स्टील का फ्रेम होता है और ये आपको एक 1980 GSM, मतलब 2000 GSM के करीब की शीट मिलती है, वाटरप्रूफ शीट, SRF शीट होती है, इम्पोर्टेड। ये बहुत ही ड्यूरेबल है, इसका खुद का 10 किलो वज़न होता है
और हैवल्स कंपनी का आपको गीज़र दिया जाता है 3 लीटर का, और इंस्टेंट गीज़र होता है, और ये टुल्लू पंप होता है, एक आपको एक्स्ट्रा टुल्लू पंप भी दिया जाता है। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं, साथ में आपको DIP डाइट चार्ट, POEM चार्ट एमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, और वाटर टेप, मतलब छोटी से छोटी चीज़ आपको दी जाती है, और इंस्टॉलेशन के लिए भी आपको वीडियो कॉल पे गाइडेंस दी जाती है। साथ ही साथ एक ये प्लास्टिक का भी टब है, ये बहुत ड्यूरेबल है, ये प्लास्टिक का है सारा, और इसका खुद का वज़न 32 kg का है सिर्फ टब का। इसमें भी आपको एक टब मिलता है, एक कंट्रोल पैनल मिलता है, एक हैवल्स का गीज़र मिलता है 3 लीटर का इंस्टेंट गीज़र, और वही टुल्लू पंप मिलता है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से भी बाय कर सकते हैं, और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके भी बाय कर सकते हैं। इसके लिए हम आपसे हम जुड़ सके, इसके लिए राजू चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजू है। आपने देखा होगा हिम्स में काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं और यही थेरेपी करते हैं, हॉट वाटर थेरेपी। 40 डिग्री सेल्सियस में पानी नेक तक होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ देखा जाता है कि BP हो, शुगर हो, इंसुलिन ले रहे हो, किडनी पेशेंट हो, डायलिसिस पेशेंट हो, मल्टीपल प्रॉब्लम में, डिजीज में इससे छुटकारा मिलता है। तो घर पे आप एक लगाते हैं वो सारे के लिए वो काम करेंगे, जितने भी घर में पर्सन हैं सबके लिए काम। अगर मोटापा भी घटाने का आपको उद्देश्य रखते हैं कि 10 किलो 15 किलो वजन कम हो जाए, लगातार 2 महीना इसमें आधा आधा घंटा 2 बार नहाएंगे तो मोटापा भी कम होगा और जितने रोग हैं उससे भी छुटकारा पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।